Welcome back to the channel. Difference between primary and secondary educational guidance. Educational guidance at primary level differ from the educational guidance at secondary level in the following aspect. वो कहते हैं दोनों में डिफरेंस है और ये फॉलोइंग कहते हैं कि रिस्पेक्ट्स हैं जिसके अंदर वो डिफरेंट हैं एक दूसरे से. Students of primary level are going through pre-adolescence period of life, whereas students of secondary level are passing through post-adolescence period. सबसे पहले तो एज क्लियर. जो प्राइमरी वाले हैं वो प्री एडोलेसेंस पीरियड से गुजर रहे हैं, जो सेकेंडरी हैं वो पोस्ट एडोलेसेंस से गुजर रहे हैं. हेंस द रिक्वायरमेंट ऑफ गाइडेंस फॉर बोथ लेवल्स आर डिफरेंट. इसी वजह से उनकी एज की वजह से दोनों के जो गाइडेंस का तरीका है, जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो डिफरेंट होंगी. स्टूडेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल वाइडली डिफर इन देयर फिजिकल हेल्थ एंड सोशल एंड इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक. जो प्राइमरी के हैं और जो सेकेंडरी के, उन दोनों के अंदर फिजिकल हेल्थ में, सोशल कैरेक्टरिस्टिक में और इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा. उनकी मेजॉरिटी का लेवल और इमेजोरिटी दोनों बहुत डिफरेंट होंगे एक दूसरे से. हेंस दीज फैक्टर्स आल्सो हैव टू बी टेकन इनटू अकाउंट इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग. और इस गाइडेंस और काउंसलिंग के दौरान आपने ये भी अपने जहन में बात रखनी है. एक बात आपने छोटे से बच्चे को समझानी हो और वही बात आपने किसी बड़े को समझानी हो, दोनों में फर्क होगा ना. बच्चे को आप किसी और तरह समझाएंगे, बड़ों को आप जरा रिस्पेक्ट से समझाएंगे और इस तरह करेंगे कि आप उनको समझा नहीं रहे, कि आप उनके बड़े नहीं बन रहे, आप इस चीज का लिहाज रखेंगे. तो यही गाइडेंस और काउंसलिंग में भी है. जहां एज में फर्क आ गया वहां बहुत सी चीजों में फर्क आएगा और आपको उसी लिहाज से चलना होगा. आगे द नेचर ऑफ रीडिंग डिसिप्लिन सोशल कॉन्टैक्ट एंड सोशल फंक्शंस एट सेकेंडरी लेवल इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द एक्टिविटीज एट प्राइमरी और जूनियर लेवल. नेचर ऑफ रीडिंग डिसिप्लिन सोशल कॉन्टैक्ट सोशल फंक्शंस जो सेकेंडरी लेवल पे हैं वो डिफरेंट होंगे प्राइमरी या जूनियर स्कूल में. ईच ऑफ दीज टू टाइप ऑफ स्टूडेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर इन देयर ओन वे. दोनों ही अपनी अपनी एक्टिविटीज में अपने अपने अंदाज में इन्फ्लुएंस हो रहे हैं. हेंस द स्कूल लेवल ऑफ चिल्ड्रन हैज टू बी टेकन इन टू कंसिडरेशन. इसलिए वो किस स्कूल लेवल पे है वो भी आपने कंसिडरेशन में रखना है गाइडेंस प्रोवाइड करने के दौरान. बिसाइड एजुकेशन अ लॉट एल्स इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम स्टूडेंट ऑफ सीनियर लेवल. सॉरी, एजुकेशन के अलावा जो सीनियर लेवल के कहते हैं कि स्टूडेंट्स हैं, उनसे कुछ एक्सपेक्टेशन रखी जाती है. कुछ बातें हम कहते हैं कि उनको अब कुछ समझ आ जानी चाहिए. On the completion of the stage, they have to make certain basic decision, which includes choosing any one from higher education, technical education, business or vocation. वो कहते हैं जब ये स्टेज कम्प्लीट हो जाएगी तो हम they have to make certain basic decision. तो उनको अब decision खुद से लेना है जो क्या है उन्होंने चूज करना है. उन्होंने हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, बिजनेस में जाना है, यानी कि बिजनेस और वोकेशन एक ही बात है, किस में जाना है. तो ये decision उन्होंने लेना है. इट मीन्स कि आपको इसी लिहाज से गाइडेंस और काउंसलिंग करनी है. हेंस गुड स्कूल प्रोवाइड गाइडेंस अबाउट बिजनेस. वो कहते हैं अच्छे स्कूल जो हैं वो आपको बिजनेस और एजुकेशन के बारे में गाइडेंस प्रोवाइड करेंगी. पर्सनल एंड सोशल एडजस्टमेंट एट द स्टेज. और साथ में आपको पर्सनल और सोशल एडजस्टमेंट भी इस स्टेज पर आपको सिखाएंगे. आगे सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस. सिग्निफिकेंस यानी कि क्या अहमियत है इसकी. कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स. The process of student development does not reach completion by instruction in various subjects and emphasis on the individual mental growth. वो कहते हैं process of student development अपनी completion तक नहीं पहुंचता महज instruction के जरिए various subject में और mental growth में emphasis करने के जरिए. क्या बस बताते जाएंगे ये हमें बस, इस तरह नहीं होगा. Educational guidance seek to create self awareness. Educational guidance के जरिए बच्चे में खुद self awareness हम create करते हैं. And enable teachers to have better understanding of them. और teachers को भी इस काबिल बनाते हैं कि वो बच्चों को अच्छे तरीके से समझ सकें या ऐसे अंदाज में समझ सकें. Achievement of self-awareness. Mere study of syllabus is not enough for students. Syllabus पढ़ते जाएं बिल्कुल भी enough नहीं है. It is clear that despite having studied psychology, chemistry, physics, economic history or other subjects, आप ये सारे subjects पढ़ें, the individual remain uncivilized as long as he does not achieve self-awareness. बंदा तब तक uncivilized ही रहेगा जब तक वो self-awareness achieve नहीं करेगा.
अचीवमेंट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस इज द चीफ एम ऑफ गाइडेंस. गाइडेंस का चीफ एम, सबसे बड़ा मकसद क्या है, सेल्फ अवेयरनेस बनने को देना. इट मेक्स स्टूडेंट इनलाइटेड, हार्ड वर्किंग एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन. इसी के जरिए स्टूडेंट आगे जाकर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनता है, हार्ड वर्किंग बनता है और इनलाइटेंड होता है. द सेम ऑब्जेक्टिव इज परस्यूड बाय एजुकेशन एज वेल. जैसे मैंने कहा, दोनों आपस में लिंक हैं, गाइडेंस भी और एजुकेशन भी, और यही गोल जो है एजुकेशन का भी होता है. असिस्टेंस इन द चॉइस ऑफ सिलेबस. इट इज क्वाइट ऑब्वियस दैट आवर एजुकेशन सिस्टम हैज फॉलन इनटू डिसअरे. वो कहते हैं क्वाइट ऑब्वियस है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल ही कहने की बकवास है. द सब्जेक्ट दैट हैव लिटिल एप्लीकेशन टू एवरीडे लाइफ आर स्टडीड एंड टॉट मोस्ट ऑफ ऑल. वो सब्जेक्ट जिनकी अब कोई एप्लीकेशन ही नहीं है. बंदा पूछे कौन हाथ लिखता है इस जमाने में, सिखाए जा रहे हैं बच्चों को लिखना. इवन एट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लेवल स्टूडेंट चूज द सब्जेक्ट आफ्टर स्टडिंग विच दे फाइंड इट हार्ड टू गेट अ जॉब और विच डू नॉट फैसिलिटेट द विनिंग ऑफ अ जॉब. हत्ता कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे भी बच्चे वहीं पढ़ जाते हैं, उसी की डिग्री हासिल कर लेते हैं जिसकी जॉब जो मिलना उनके लिए बहुत मुश्किल हो या जिसके कह लें कि सीट्स बहुत कम हो. इट्स रीजन लाइज इन द बैक ऑफ गाइडेंस, लैक ऑफ गाइडेंस. इसकी रीजन के गाइडेंस नहीं किसी ने की. विदाउट थिंकिंग और असेसिंग द टैलेंट ऑफ द चिल्ड्रन, पेरेंट फोर्स देम टू स्टडी सच सब्जेक्ट एज वेन काउंटर्ड विद देयर इंटरेस्ट. बच्चों से कुछ पूछे बगैर, उनके टैलेंट को जाने बगैर पेरेंट्स उनको फोर्स कर देते हैं कि तुमने तो पढ़ना ही यही है. हेंस बोथ पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स नीड गाइडेंस एंड काउंसलिंग एज टू चूज सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू देयर एप्टीट्यूड. इसीलिए बच्चों को तो गाइडेंस चाहिए, साथ में पेरेंट्स को भी देनी चाहिए कि ताकि वो बच्चे को वो पढ़ने दें जिसमें उसका इंटरेस्ट है, जिसमें वो आगे जाके तरक्की करेगा. वोकेशनल इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग एजुकेशन. वोकेशनल इंफॉर्मेशन यानी कि कारोबार, बिजनेस, इस सब के बारे में इंफॉर्मेशन देना. यंग स्टूडेंट शुड बी इम्पार्टेड इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस जॉब्स एंड वोकेशन ड्यूरिंग एजुकेशन सो दैट दे मे बी अवेयर ऑफ व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर इन्वॉल्व इन डूइंग अ जॉब और ज्वाइनिंग अ वोकेशन एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ जॉब्स. यंग स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन देनी चाहिए जॉब्स के बारे में, वोकेशन के बारे में, उनकी एजुकेशन के दौरान ही, ताकि वो इस बात से अवेयर हों कि आगे जाके उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, उनकी जॉब की नेचर क्या होगी, उन्हें क्या करना होगा वहां जाके. हैविंग गॉट द इन्फॉर्मेशन द यंग फाइंड इट इजियर टू चूज अ वोकेशन दैट सूट देयर टैलेंट. अब अगर बच्चे के पास ये सारी इन्फॉर्मेशन होगी तो उसको पता होगा उसने किस किस्म की जॉब पे जाके अप्लाई करना है जिसको उसके लिए प्रॉफिटेबल भी रहे और यूजफुल भी रहे और जिसको वो अच्छी तरह सरंजाम भी दे सके. फर्स्ट चाइल्ड ऑफ अ फैमिली. The student who are the first of their family to join an institution of higher education need guidance more. वो बच्चे जो अपनी family में पहले होते हैं जो कि higher education के लिए किसी institution को join करें, उनके लिए कोई guidance होती नहीं है, तो इसलिए उनको guidance ज़्यादा चाहिए होती. Since there is no precedent in the family, क्योंकि पहले से कोई गया नहीं होता family में, उनके पास ना कोई experience होती है और ना ही relevant field के लिए कोई observation होती है. Hence expert system in the choice of better field. लेकिन आजकल ये काम आसान कर दिया यूट्यूब ने कि आप यूट्यूब पे सर्च कर लें और आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. Assistance of students from backward areas. The problem and need of the student hailing from the areas without modern facilities of life are different. Problem or need of the students hailing from the area, जो ऐसे areas में से आ रहे हैं जिनके पास modern facilities नहीं है, तो उनकी problems काफ़ी different होंगी. सच स्टूडेंट फेस डिफिकल्टी. उनको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है एडजस्टमेंट के हवाले से डिफरेंट दूसरे स्टूडेंट के साथ. सच स्टूडेंट्स आर प्रोवाइडेड गाइडेंस अबाउट हाउ टू होल्ड कन्वर्सेशन विद अदर्स. ऐसे स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है कि किस तरह उन्होंने बाकी बच्चों के साथ कन्वर्सेशन करनी है, कैसे फ्रेंड्स बनाने हैं, कैसे अपना टाइम प्रॉफिटेबली यूज करना है, रीप द बेनिफिट्स ऑफ लाइब्रेरी, किस तरह वो लाइब्रेरी से बेनिफिट हासिल कर सकते हैं, मेक हेडवे इन स्टडीज एंड यूज अदर फैसिलिटीज, और किस तरह वो स्टडीज में आगे निकल सकते हैं और डिफरेंट फैसिलिटीज यूज कर सकते हैं. असिस्टेंस ऑफ द स्टूडेंट्स बेसेट विद प्रॉब्लम. एजुकेशनल गाइडेंस हेल्प करती है स्टूडेंट्स को हु रन इनटू डिफिकल्टीज एंड कॉम्प्लिकेशन एंड फील फ्रस्ट्रेटेड एंड वर्रीड बाय द फेलियर टू फाइंड अ जॉब डिस्पाइट देयर हाई क्वालिफिकेशन. एजुकेशनल गाइडेंस उन स्टूडेंट्स को हेल्प करती है जो कि हायर एजुकेशन तो हासिल कर चुके हैं लेकिन जॉब नहीं हासिल कर पा रहे. ऐसे स्टूडेंट्स को गाइडेंस चाहिए विद
to deal with their problem effectively. Adjustment to a job or vacation. Student difficulty face करते हैं जो job की demand है उसके मुताबिक adjust करने के, उसके मुताबिक adapt करने के. Basic changes are brought about in their behavior and approach with the help of counselor and guide. जो भी कमी होती है counseling और guidance के जरिए वो कहने के पूरी कर दी जाती है. Having gone through this process, they develop the ability to adjust to the environment in a better way. और यही उनको help करती है कि वो अपने environments को better way में उसके मुताबिक adjust कर पाते हैं. आगे protection against stagnation. It is necessary to incline student toward innovative activities so that they may avoid stagnation and inertia. ये जरूरी है कि हम बच्चों को इनोवेटिव एक्टिविटीज यानी कि वो उन एक्टिविटीज की तरफ लेके जाएं जो कि उनके लिए कारामद है, ना कि जो उनको नुकसान पहुंचाए. गाइडेंस ऑफ मीडियोकर स्टूडेंट्स. दी स्टूडेंट्स वर नॉट वेरी टैलेंटेड नीड ग्रेटर अटेंशन एंड गाइडेंस. ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास कोई खास टैलेंट नहीं है उनको ज्यादा तो बच्चा चाहिए. द टैलेंट ऑफ द स्टूडेंट इज असेस्ड एंड दे आर इम्पेयर्ड. Such imparted such education has helped them avoid waste of resources, time and money. अब जिनके पास इतना टैलेंट नहीं है देखा जाता है कि वो क्या कर सकते हैं, क्या थोड़ा बहुत टैलेंट है उनके पास, और फिर उसी के मुताबिक उनको एजुकेशन के कहने के किसी रिसोर्स फील्ड में डाल दिया जाता है ताकि वो ना उनके रिसोर्सेज वेस्ट हो, ना उनका टाइम वेस्ट हो, ना उनकी मनी वेस्ट हो. बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेयर टाइम. Expert provide guidance for students about how to create spare time productively, how to use spare time productively so that they may not waste their talent and time in undesirable activities. Experts provide करते हैं guidance on students को, यानी कि students सबको ये guide करते हैं कि वो अपने time को spare कर सकें productively, ताकि उनका time भी ना waste हो और ना ही उनका talent waste हो. They are asked to pursue positive, constructive and syllabus related activities. उनको कहा जाता है कि आप पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव यानी कि जो उनकी डेवलपमेंट में काम करो उसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव, और उनके सिलेबस से रिलेटेड एक्टिविटीज वो करें ताकि उनके ग्रेड्स जो वो इम्प्रूव हो सके. इन शॉर्ट इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग स्टूडेंट आर टोल्ड हाउ कैन दे मेक एकेडमिक एंड सोशल प्रोग्रेस बाय मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ देयर पोटेंशियल. शॉर्ट में अगर देखा जाए गाइडेंस और काउंसलिंग स्टूडेंट्स को ये कहती है कि आप एकेडमिक और सोशल प्रोग्रेस किस तरह कर सकते हैं ताकि उनका जो पोटेंशियल है वो उसकी पीक तक पहुंच सके. अदर प्रॉब्लम, सॉरी मेरा गला सूख गया. इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर स्टूडेंट्स प्रॉब्लम रिलेट टू देयर पेरेंट्स, रिलेटिव, फ्रेंड और फेलो स्टूडेंट्स. वो कहते हैं चाहे प्रॉब्लम कहीं की भी हो, पेरेंट्स की हो, रिलेटिव्स की हो, फ्रेंड्स की हो, फेलो स्टूडेंट की हो, द सर्विसेज ऑफ क्वालिफाइड एक्सपर्ट आर हायर टू गाइड एंड असिस्टेंट. क्वालिफाइड एक्सपर्ट की कहने की असिस्टेंस हमें लाजमी चाहिए होती. एक्सपर्ट आल्सो हेल्प आउट द स्टूडेंट हु गेट इन्वॉल्व इन टेररिस्ट एक्टिविटीज एंड बिकम अ विक्टिम ऑफ सच एक्टिविटीज. एक्सपर्ट हेल्प करती है उन स्टूडेंट को जो टेररिस्ट एक्टिविटीज में हिस्सा ले लेते हैं या उसमें शामिल हो जाते हैं एंड बिकम अ विक्टिम ऑफ सच एक्टिविटीज और ऐसी एक्टिविटीज का विक्टिम बन जाते हैं. यहाँ पे टॉपिक जो है वो खत्म हो गया. एजुकेशनल गाइडेंस की सिग्निफिकेंस क्या थी, और आगे हमारा लास्ट टॉपिक है इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग. सो वो मैं डालती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय गाइस.